खबर गरियाबंद से, जहां गरियाबंद में भले ही बीते 3 दिनों में रिमझिम बारिश हो रही हो, लेकिन जिले के बांध और तालाब अभी भी खाली पड़े हुए हैं। इसका कारण बारिश का कम होना बताया जा रहा है। जो बांध पिछले साल इस समय तक आधे से ज्यादा भर चुके थे, वहीं बांध इस साल खाली नजर आ रहे हैं। जिले के सबसे बड़े सीकासार बांध में महज 15% पानी रह गया है, जबकि पिछले साल इस समय तक इस बांध में 67% पानी था। और ऐसी स्थिति में जिले के दूसरे छोटे बांधों और तालाबों की भी स्थिति समझी जा सकती है। सीकासार बांध में पानी नहीं होने से जहां पर्यटकों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। इस समय तक पिछले वर्ष में बहुत पानी था, उसी हिसाब से हम लोग इस वर्ष आए यहां पर। तो किसान भी परेशान है पानी से। इस वर्ष जो हम लोग देख रहे हैं, ये तो सूखा है, आप भी देख सकते हैं। करके नाम बहुत पहले सुना था, अच्छा पिकनिक मनाने के लिए, बट अभी तो कुछ मजा नहीं आ रहा है। सब तरफ सूखा सूखा ही लग रहा है, कोई मौसम का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं।